विल स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपका जो फिजिक्स का चैप्टर है, साइंस में जो फिजिक्स सेक्शन है उसका एक पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, कैन एनीवन लेट मी नो कि इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है? आई मीन ये वर्ड कहाँ से आया, ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसके क्या क्या इफेक्ट है, कुछ भी पता होगा मुझे बता दो. तो सबसे पहले डेफिनेशन से विल स्टार्ट विद डेफिनेशन. तो सबसे पहला डेफिनेशन मैं आपसे पूछूंगा वो है कि इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, अभी सबसे पहले तो अगर करंट का मैं लिटरल मीनिंग देखूं तो करंट का लिटरल मीनिंग होता है फ्लो. कोई भी चीज फ्लो हो रही है वो होता है करंट. पानी फ्लो हो रहा है उसे बोलते हैं करंट ऑफ वाटर. ठीक है, तो बेसिकली कोई भी चीज जो फ्लो हो रही है, जो बह रही है, उसे हम करंट बोलते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट का एकदम सादा सिंपल सा मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का सादा सिंपल सा मीनिंग इज फ्लो ऑफ चार्ज. मीनिंग अगर कोई भी चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं या फिर उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. ठीक है, अब ये चार्ज एग्जैक्टली होता क्या है? व्हाट इज दिस चार्ज? ठीक है, हमें ये पता है कि चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज. ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन से आता है. अगर हम कोई भी एटम देखें तो एटम इज न्यूट्रल. तो एटम न्यूट्रल क्यों है? बिकॉज उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन में होता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन में होता है. और हमें पता है, आई मीन अगर आप 150-200 साल पहले बात की सोचो तो जब साइंटिस्ट को लगता था कि प्रोटॉन फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग, बट एक्चुअली रिवर्स है, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, द नेगेटिव चार्ज इज एक्चुअली फ्लो. ठीक है, तो हमें यह पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट्स द रीजन ये नाम इलेक्ट्रिसिटी पड़ा है. ठीक है, ओके फाइन, ये चार्ज फ्लो है. अभी कैसे फ्लो होता है? सपोज ये एक कंडक्टर है हमारे पास, एक कंडक्टर है, एक सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर अज्यूम कर लेता हूं मैं यहाँ. नाउ विल बी डिफाइनिंग व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. एक सिलेंड्रिकल शेप का इलेक्ट्रिक एक कंडक्टर है. ठीक है, बेसिकली एक वायर मान लो इसे, एक वायर मान लो. ठीक है, ओके फाइन. अभी इसका ये वाला जो एरिया है यूजुअली बहुत कम होता है, इन ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर स्क्वायर में होता है वो. ठीक है, तो इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस वाले एरिया को हम बोल देंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, अभी कोई भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसे मैं यहां पे इसे शेड कर रहा हूं. सपोज यहां पे मैंने बना दिया एक, वही चलो किसी अलग कलर से बना देता हूं सो दैट डिफरेंशिएट कर पाओ इसे. यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है और यहां पे सपोज कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, और एक सेकेंड बाद या फिर सम टी टाइम बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पास किया. तो मैं बोल दूंगा लेट से टोटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने आफ्टर सम टी टाइम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पास किया है. ठीक है, सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज, आई मीन एक इलेक्ट्रॉन का सपोज ई चार्ज है तो एन इलेक्ट्रॉन्स का एन चार्ज हो जाएगा. और टाइम कितना है? टाइम है टी. तो करंट कितना हो जाएगा? करंट हमें पता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम में करंट होता है. सो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा ई एन अपॉन टी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और टाइम. सो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. डेफिनेशन क्लियर है सब लोग को होता क्या है? आई मीन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का मैं डेफिनेशन बता देता हूँ. इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो करते हैं एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. जिन लोगों को इतना तक क्लियर है मुझे एक थम्स अप दे दो. अगर कोई भी डाउट है तो पूछो. आई मीन एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हमने, चार्ज से स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट किया. अभी तक कुछ ऊपर के कॉन्सेप्ट आए नहीं है, रेजिस्टिविटी वो सब आया ही नहीं है. बेसिक एकदम रेजिस्टेंस देखते हैं. रेजिस्टेंस का सिंपल मीनिंग होता है कि रेजिस्टेंस फॉर फ्लो ऑफ चार्ज. कि यहां पे मैं लिख देता हूं रेजिस्टिंग फ्लो ऑफ चार्जेस. आई मीन एक कंडक्टर है, उसमें से बेचारा चार्ज अपना फ्लो हो रहा है लेकिन उसके फ्लो में बाधाएं आएगी, उसके फ्लो को रोका जाएगा, उसे इतना फास्ट या फिर इतना प्रॉपरली फ्लो नहीं हुआ जाएगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है अलग अलग मटेरियल्स की.
कोई भी कंडक्टर देखे तो कोई भी कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस होता है, किसी भी कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या करती है, चार्ज को फ्लो होने से रोकती है। सो यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज। अपने इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से फ्लो हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ कंडक्टर आई मीन सारे कंडक्टर्स एक रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, ऑब्वियसली इतना इजीली फ्लो नहीं होने देंगे। क्यों इतना इजीली फ्लो नहीं होने देंगे, अगर मैं कोई भी एक कंडक्टर देखूं जिसके स्ट्रक्चर को हम लैटिस बोलते हैं, ठीक है, जिसके स्ट्रक्चर को हम लैटिस बोलते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली देयर आर एटम्स। और साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा या फिर किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर में, एटम्स एक वाइब्रेशन में होते हैं, वो एक वाइब्रेटिंग मोशन में होते हैं। सो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एटम वाइब्रेट कर रहा है, तो ये इसे फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है, ये इनमें कोलिजन होगा। सो ये अकर क्यों होता है, बेसिकली यहाँ पे लिख देंगे ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, रादर आई शुड से फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स और जो एटम्स हैं उनके बीच में कोलिजन होता है, एंड दैट इज द रीजन किसी कंडक्टर में ज्यादा किसी कंडक्टर में कम, किसी कंडक्टर में ज्यादा किसी कंडक्टर में कम, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स एटम को कोलाइड करते तो प्रॉपरली फ्लो नहीं होने देते, वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली होने देते, एंड दैट इज द रीजन करंट कम हो जाता है, दैट इज द रीजन करंट कम हो जाता है। सो यहाँ पे आई विल बी सिंपली राइटिंग जो करंट है, करंट जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा करंट उतना ही कम, बिकॉज रेजिस्टेंस जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने को बेसिकली वो रेजिस्ट करेगा, तो दैट्स द रीजन करंट कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा करंट उतना ही कम, ठीक है। अभी करंट जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक चीज देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे कुछ लोगों को टाइम लग सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे टीएमपी लिख देता हूँ कि रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। ये आगे देख लेंगे हम, आई मीन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे तब ये चीज काम आएगी। तो ये चीज लिख लो कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी मटेरियल का या फिर किसी भी कंडक्टर का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी इसका रीजन मैं तुम्हें ऑलरेडी बता सकता हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो मेरा वाइब्रेशन होता है, एटम्स में जो वाइब्रेशन होता है वो इंक्रीज होता है। इनफैक्ट 11th स्टैंडर्ड में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके एक चैप्टर है, उसमें ये चीज बताई गई है। इनफैक्ट उसमें ये चीज प्रूव की गई है कि जो टेम्परेचर जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा वाइब्रेशन उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो अगर जितने ज्यादा एटम वाइब्रेट करेगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा उतना इलेक्ट्रॉन को वो रेजिस्ट करेगा फ्लो, एंड दैट्स द रीजन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन एनी कंडक्टर्स, ठीक है। तो हमने ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, सब लोगों को इतना क्लियर है? हाँ या ना? जिन जिनको ये क्लियर है थम्स अप दे दो मुझे रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। चलो अभी रेजिस्टिविटी देख लेते हैं और फिर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज रेजिस्टिविटी, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रो से, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रो से, ठीक है। रेजिस्टिविटी का सादा सिंपल सा मतलब है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, मीनिंग अगर मैं एक कंडक्टर ले लूं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मीनिंग अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट में एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सो एरिया इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज बेसिकली द यूनिट लेंथ, एंड इसका जो लेंथ है, ये इसका जो लेंथ है वो भी 1 यूनिट है, तो एसआई यूनिट में ये बन जाएगा 1 मीटर। तो अगर मैं ऐसा कोई भी कंडक्टर लू, इफ आई टेक अ कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस होगा, ये कंडक्टर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कंडक्टर जो है वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बन जाएगी, ठीक है। अभी रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी क्या है बेसिकली, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मीनिंग
जैसे जैसे मैं अलग अलग मटेरियल्स दूंगा तो उसकी हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, ठीक है। बेस्ट अगर मैं देखूं तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। अगर रेजिस्टिविटी कम मतलब रेजिस्टेंस कम मतलब ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा, बट ऑब्वियसली सिल्वर महंगा है एंड दैट्स द रीजन हमारे घरों में हम सिल्वर नहीं यूज करते वायर्स में, ठीक है। वी यूज कॉपर और वी यूज एल्यूमिनियम, ठीक है। आजकल देखा जाए तो कॉपर भी महंगा होता जा रहा है बिकॉज उसका जो सोर्सेस है वो कम है यूजली। ऑन द अदर हैंड एल्यूमिनियम इज चीपर, बट या इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 200 साल पहले एल्यूमिनियम गोल्ड से भी ज्यादा महंगा हुआ करता था बिकॉज एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन है उसका जो केमिकल प्रोसेस है उसकी प्यूरिफिकेशन का वो पता नहीं था, एंड दैट द रीजन एल्यूमिनियम बहुत एक्सपेंसिव था 200 साल पहले। बेसिकली नेपोलियन एरा की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रेंच रेवल्यूशन वो टाइम का एरिया। वो टाइम में जो किंग्स होते थे, राजा महाराजा, वो एल्यूमिनियम के बर्तन में दे यूज्ड टू ईट एंड ड्रिंक। सो बेसिकली वो एक प्रेस्टीज था एल्यूमिनियम के बर्तन। अभी तो जो गरीब घर के लोग है वो एल्यूमिनियम यूज करते हैं, उसका केमिकल प्रोसेस भी इतना चीप हो गया, ठीक है। ओके फाइन, तो बेसिकली कौन से मटेरियल्स की बात की मैंने, सिल्वर वो कॉपर सॉरी हाँ सिल्वर कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दीज आर द थ्री कंडक्टर्स। ऑब्वियसली जो कुछ सर्किट्स है महंगे सर्किट्स है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव सर्किट्स में उसमें हम सिल्वर यूज करेंगे, बट प्रीडोमिनेटली वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इन मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये यहाँ पे और एक पॉइंट लिखते तो डज नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री, डज नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री, मीनिंग अगर मैंने कंडक्टर का लेंथ या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने कुछ भी चेंज किया तो उसे रेजिस्टिविटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यस रेजिस्टेंस पे असर पड़ता है, रेजिस्टेंस पे असर पड़ता है कंडक्टर की ज्योमेट्री पे, दैट इज कंडक्टर की लेंथ पे और कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। सब लोगों को इतना क्लियर है बेसिक डेफिनेशन? अब तक मैं फॉर्मुला में आया ही नहीं हूँ, मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली प्योर वर्ड में रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। अभी हम लोग फॉर्मूला पे आएंगे, हम चार क्वांटिटी डिस्कस कर चुके हैं, करंट डिस्कस कर लिया हमने, चार्ज डिस्कस कर लिया, रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया, रेजिस्टिविटी डिस्कस कर ली, ठीक है। अब तक फॉर्मूलाज भी नहीं आया, बट ये जो बेसिक शब्दों में इनका ये अगर तुम्हें क्लियर है थम्स अप दे दो मुझे एक, ठीक है। अभी विल बी डिस्कसिंग पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले तो ये वर्ड पोटेंशियल क्या है, अगर मैं बोलूं कि किसी बच्चे में पोटेंशियल है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि वो बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर करना या फिर स्पोर्ट्स में अच्छा खेलना, कोई भी एक चीज वो अच्छा करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो बेसिकली उस बच्चे में पोटेंशियल है, ठीक है। तो पोटेंशियल का मीनिंग होता है अबिलिटी, पोटेंशियल का एक अगर मैं सिनोनिम देखूं तो उसका मीनिंग होता है अबिलिटी, किसी भी चीज की अबिलिटी होना, उसे हम बोलते हैं कि उसमें पोटेंशियल है, ठीक है। अभी थोड़ा सा फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। अभी हम लोग अभी तक इसकी इंग्लिश डिस्कस कर रहे थे, अभी थोड़ा सा फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे सपोज एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इसमें एक बॉल, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक बॉल रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बॉल पकड़ा हुआ है, ठीक है, और एक बॉल मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, एक बॉल मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो कौन से बॉल में ज्यादा पोटेंशियल है, कैन आई से जो बॉल बिल्डिंग के ऊपर है उसमें ज्यादा पोटेंशियल है, बिकॉज अगर मैं दोनों बॉल को रिलीज करूं तो ये ज्यादा इतना तेजी से ग्राउंड को हिट नहीं करेगा, लेकिन ये वाला बॉल है वो ज्यादा तेजी से ग्राउंड को हिट करेगा। सो कैन आई से बॉल वन में ज्यादा पोटेंशियल है कंपेयर टू बॉल टू? हाँ या ना? इनफैक्ट फिजिक्स में पोटेंशियल का टर्म यही से आया, पहले ग्रेविटी में आया था, बाद में वही हमने इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया। तो इतना क्लियर है सब लोगों को कि पोटेंशियल का एक सेंस समझ में आ रहा है तुम्हें कि पोटेंशियल होता क्या है? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने रिलीज किया बॉल को तो जो बिल्डिंग के ऊपर जो बॉल है वो ज्यादा तेजी से हिट करेगा, ज्यादा हार्ड हिट करेगा, इनफैक्ट कोई नहीं चाहेगा इसके नीचे खड़ा हो, ऑन द अदर हैंड इसके नीचे कोई भी खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि बॉल वन में ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा हार्ड हिट करेगा, यही कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, यही कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में। सपोज यहाँ पे कोई भी एक सर्किट है, फॉर नाउ मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, बट देर आर हंड्रेड एलिमेंट्स, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आई नो, ठीक है। और यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ उसे सोर्स, ठीक है। 10th में से हम डीसी करंट डिस्कस करते हैं, एसी करंट भी करते हैं लेकिन नॉट न्यूमेरिकली, ठीक है। 11th 12th में बहुत एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के सोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं सो कहने से हाइट वॉज द सोर्स, हाइट वॉज द सोर्स, जितनी ऊपर हाइट उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर माना जाता है,
और नेगेटिव टर्मिनल को नीचे माना जाता है। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो होने का टेंड करेगा। वो पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो होने का। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोटॉन होता, इनफैक्ट पुराने जमाने में ये अज्यूम किया जाता था कि कोई भी प्रोटॉन है, ई प्लस का मीनिंग बेसिकली मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी प्रोटॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करेगा। ऑन द अदर हैंड कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, प्रोटॉन ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। ये पुराने जमाने में माना जाता था। इनफैक्ट दैट इज द रीजन ये जो करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसे हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली से लिख दूंगा कन्वेंशनल का मीनिंग होता है पुराना। हम बोलते हैं किसी आदमी की सोच कन्वेंशनल, इसका मीनिंग कि आदमी की पुरानी सोच है। तो कन्वेंशनल करंट का मीनिंग होता है कि पुराने जमाने में जो सोचा जाता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो रहा है, तो इसीलिए अभी भी वही एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं। बिकॉज आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ थिंकिंग फिजिसिस्ट का कि चलो ऐसा फ्लो रहा है, तो उन्होंने बहुत सारा मटेरियल लिख दिया था इस पे। So, वो सारा मटेरियल डिस्टर्ब ना हो, दैट्स द रीजन वो ही रहने दिया। ऑन द अदर हैंड हमें पता है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, बट इससे कुछ चेंज नहीं होगा। तुम पॉजिटिव चार्ज को एक डायरेक्शन में फ्लो कराओ और नेगेटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराओ, इट मींस वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। वो कुछ चेंज नहीं कराएगा। तो एक कन्वेंशनल डायरेक्शन है, ठीक है। सो ये सोर्स में जितनी ज्यादा ताकत होगी, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ जैसे कि बिल्डिंग की हाइट जितनी ज्यादा होगी उतना फास्ट या फिर उतने ज्यादा वेलोसिटी से हिट करेगा। सिमिलरली ये सोर्स जितना ज्यादा ताकतवर होगा उतना ज्यादा करंट होगा, और ये जो सोर्स की जो ताकत है उसे हम वोल्टेज में मेजर करते हैं, कि सोर्स में वोल्टेज जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा। तो यहां से हम बता देंगे कि वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि अगर सोर्स में ताकत जितनी ज्यादा, सोर्स में वोल्टेज जितनी ज्यादा, वो सर्किट का करंट उतना ज्यादा। सब लोगों को इतना क्लियर है वोल्टेज का कॉन्सेप्ट, या फिर इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज में मेजर करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीडी। पीडी का मीनिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस। जिन जिनको ये पोटेंशियल डिफरेंस का सेंस समझ में आया, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, ठीक है। तो अभी अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड चार्ज, वी डिस्कस्ड करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अभी ये बेसिक्स है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी के बेसिकली। आगे बहुत सारी चीजें और आएंगी, बट ये बेसिक्स है। अभी इन टर्म्स को कनेक्ट करते हुए कौन से मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो देख लेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने देख लिया था वो है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये फिर बहुत लोग ऐसे ही से याद रखते कि चार्ज इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम, सही है। इसके यूनिट देख लेते, जो करंट है इसका यूनिट होता है एम्पियर, ये फिर से एएमपी बोल दूंगा मैं, एम्पियर, ठीक है। ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, ठीक है। अभी एक एम्पियर का अगर मैं डेफिनेशन देखूं, ऑब्वियसली इसका डेफिनेशन बहुत अलग है एसआई यूनिट का, बट अगर तुम्हारी भाषा में डेफिनेशन देखूं तो इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा, इफ वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन वन सेकेंड। ये कूलम बेसिकली ऐसा यूनिट है चार्ज का, ज्यादा डरो मत, ठीक है। अगर एक कूलम ऑफ चार्ज एक सेकंड में क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर से एक एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। एंड बाय द वे, वन एम्पियर इज अ ह्यूज करंट, ठीक है। आई मीन 30 मिली एम्पियर का करंट, मिली का मीनिंग होता है हजार से डिवाइड करना, 10^-3, ठीक है। तो 30 मिली एम्पियर का करंट आपको अच्छा खासा शॉक दे सकता है, ठीक है। आप वो कंडक्टर को पकड़ नहीं पाओगे अगर वो आपको 30 मिली एम्पियर का शॉक दे रहा है, ठीक है। एंड रफली बहुत बताया जाए तो 300-400 मिली एम्पियर आपको सीरियसली डैमेज देगा, सीरियस डैमेज। अगर आपके बॉडी से इतना करंट फ्लो रहा है तो इट विल सीरियसली डैमेज योर बॉडी, ठीक है। तो 1 एम्पियर सोच सकते हो बहुत ह्यूज करंट है, 1 एम्पियर इज अ ह्यूज करंट, ठीक है। दिखने में 1 लगता है बट 1 एम्पियर इज अ ह्यूज करंट, ठीक है। तो चलो ये करंट का डेफिनेशन देख लिया। तो करंट का एसआई यूनिट एम्पियर है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब है, और टाइम को तो हमें पता ही है कि सेकंड। ये हमने इसका फॉर्मूला देख लिया। द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट विल डिस्कस इज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को कैसे, आई मीन उनका उनका रिलेशन और उनके यूनिट्स,
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी एक मैं कंडक्टर देख लेता हूं, चलो कोई भी एक कंडक्टर देख लेते हैं। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और एक कंडक्टर का लेंथ है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कंडक्टर का लेंथ। लेट्स से ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, कैपिटल ए और सब कुछ ऐसा यूनिट में लेंगे, और ये करंट का लेंथ है स्मॉल एल, और इसकी इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है रो। मैंने तुम्हें बताया था जो रेजिस्टिविटी होती है वो सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है, ठीक है, ओके फाइन। तो इसकी रेजिस्टिविटी है रो, तो फ्रॉम दिस हमें रिलेशन मिल जाता है कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज गिवन बाय रो एल। इनफैक्ट चलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। जो रेजिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा है, ठीक है, कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा है उतने ज्यादा एटम्स है उसमें और उतना ज्यादा कोलिजन होगा। And that's the reason the resistance is directly proportional to length. Also, resistance is inversely proportional to cross-sectional area. अभी तुम लोग पूछ सकते हो अरे यार कि cross-sectional area ज़्यादा है तो भी तो atoms ज़्यादा होंगे, but इसका जवाब ये है कि suppose ये एक conductor है और ये इसका cross-sectional area, तो can I say electron को ज़्यादा जगह मिल रही है पास होने के लिए। Suppose ये एक conductor है और ये दूसरा conductor है, ये pen, I hope तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। अगर इनके cross-sectional area देखूं तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए जगह बहुत कम है, इस केस में फ्लो होने में जगह बहुत ज्यादा है। एंड दैट्स द रीजन अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देता हूं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली फ्लो कर सकते हैं बिकॉज ज्यादा जगह है, और अगर ज्यादा इजीली फ्लो कर सकते हैं दैट मीन्स उसके रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। सो इन तीनों चीजों का अगर मैं कंबाइन कर दूं तो इससे हमें रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो एल बाय ए। ये हमारा फॉर्मूला है जो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनको रिलेट करता है, ठीक है। अच्छा अभी यूनिट देख लेते हैं, जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वो है ओम, ठीक है, ये SI यूनिट है ओम, ओके। अच्छा अभी लेट्स से अभी चलो ओम पता है, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। आई मीन ये जो एक साइंटिस्ट था इसने बहुत ये इसका लॉ था बेसिकली ऐसा, ओम्स लॉ अभी देख लेंगे तो वहां से आया है बेसिकली, ओम्स लॉ आगे का जो फॉर्मूला है वो ओम्स लॉ है, ठीक है। तो उसके नाम पे ये सिंबल उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है, और ये ग्रीक सिंबल है, ठीक है, ये ग्रीक सिंबल में इसे ओमेगा बोलते हैं लेकिन हम इसे ओम्स प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। अभी चलो रेजिस्टेंस का SI यूनिट हमें पता चल गया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं SI यूनिट ओम्स है। अभी रेजिस्टिविटी का निकालते, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रेजिस्टिविटी इनटू एल बाय ए। So, resistivity क्या हो जाएगा, resistivity हो जाएगा R into A by L, ठीक है। अभी resistance का SI unit ohm है, area का SI unit meter square है, और length का meter है, तो meter और meter square cancel कर देंगे, so बचेगा क्या, रो का जो SI unit है वो निकल के आ जाएगा ohm meter, ohm into meter, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SI unit, ये याद रखना, ठीक है। So, resistivity का SI unit is ohm meter, resistance का is ohm, length और area का तो हमें बचपन से पता है meter and meter square. तो ये हो गया resistance का formula, resistance and resistivity. सब लोगों को इतना clear है? Now we'll be discussing ohm's law. ये next set of formula है. ohm's law. Basically सादा simple सा law है. ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि किसी भी कंडक्टर में अगर वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा, वोल्टेज कम तो करंट कम, ठीक है, कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज डायरेक्टली, उल्टा भी लिख सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। ये ओम्स का लॉ था, बेसिकली ओम्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे बहुत सारे, ये प्योरली एक्सपेरिमेंटली आया है, इसका कोई थियोरेटिकल प्रूफ नहीं एक्चुअली है, लेकिन वो हमारे कोर्स के बाहर है। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर उल्टा भी हो सकता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, सो वो कांस्टेंट इज नथिंग बट आर, तो रेजिस्टेंस का टर्म बेसिकली यहां से आया, सो वी इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज इज नथिंग बट करंट इनटू रेजिस्टेंस, हमारा फॉर्मूला यहां से आया, ठीक है। सो ये है ओम्स लॉ। तो सबसे पहला हमने फॉर्मूला डिस्कस किया करंट का, उसके बाद हमने डिस्कस किया रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का, एंड तीसरा हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ। यहां तक जिन जिन को डाउट है तो पूछो, अगर जिन जिन को क्लियर है थम्स अप दे दो मुझे,
सो सीरीज पैरेलल अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली है क्या ये. सो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स मीनिंग हम किसी भी सर्किट में रेजिस्टर्स को कैसे कंबाइन कर रहे हैं, ये इनके अलग अलग वेज है. ऑब्वियसली अलग अलग, इससे भी ज्यादा अलग अलग वेज है, स्टार डेल्टा वो सारी चीजें है, बट हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे. बेसिकली दो वेज है, एक तो तुम रेजिस्टर्स को सीरीज में अरेंज कर सकते हो या फिर तुम रेजिस्टर्स को पैरेलल में अरेंज कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट इनके बीच का डिफरेंशिएशन इज डायग्राम, कि मैंने सीरीज में सपोज ऐसे जोड़ा है, एक रेजिस्टर यहाँ पे आ गया, दूसरा रेजिस्टर यहाँ पे आ गया, तीसरा इसके बाद आ गया, एंड सो ऑन. बेसिकली ऐसा. अभी फॉर नाउ दो से स्टार्ट करेंगे, लेट्स से ये R1 है और ये R2 है. ठीक है, और यहाँ पे एक DC सोर्स है जिसे हम बैटरी से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, एंड सो ऑन. चाहे तो यहाँ पे स्विच डाल दो. तो इसे हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, एक के बाद एक. याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं कि एक के बाद एक अगर मैं रेजिस्टर जोड़ रहा हूं तो ये बन गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, वही अगर मैं पैरेलल में बनाने जाऊं तो पैरेलल में इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. इसे याद रखने के लिए कैसा रख सकते हैं, इसे याद रखने के लिए रख सकते हैं कि एक के ऊपर एक, अगर रेजिस्टर हमारे एक के ऊपर एक, यहाँ पे एक रेजिस्टर आ गया है और यहाँ पे दूसरा रेजिस्टर आ गया है. सो अगर मैं एक के ऊपर एक रेजिस्टर रख रहा हूं, सो लेट से ये R1 है और ये R2 है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे. ठीक है, यहाँ पे स्विच डाल दिया, बैटरी डाल दिया, सो ऑन, पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V. ठीक है, चलो ये एक हो गया. अभी दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश क्या है इनके बीच में, अगर मैं करंट देखूं, करंट इसमें से सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो जो करंट, करंट को एक पानी जैसा इमेजिन करो. यहाँ पे एक पाइप है और पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे कंडक्टर और कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ से पाइप गई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया, पाइप में इमेजिन कर सकते हो कि चलो पाइप में यहाँ पे एक पत्थर है, यहाँ पे दूसरा पत्थर है, बट सेम पानी, जो पानी इसमें से फ्लो कर रहा है सेम पानी यहाँ से भी फ्लो करेगा. यह दिख रहा है पाइप तो एक ही है, जो पानी यहाँ से फ्लो करेगा वही पानी यहाँ से भी फ्लो करेगा. सिमिलरली जो करंट R1 में से फ्लो करेगा वही करंट R2 में से भी फ्लो करेगा. सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मीनिंग कि सारे रेजिस्टर्स में से एक ही करंट फ्लो करेगा. यहां से हमने डायग्राम में दिख लिया. ऑन द अदर हैंड इसी का उल्टा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि करंट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे डज नॉट लिख देता हूं मैं सिर्फ, डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट. ये फिर करंट का सिंबल लिख देता हूं मैं, आई, करंट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट. ठीक है, इसका रीजन क्या कि चलो यहां से करंट, यहाँ पे दिख रहा है मैं पाइप दो अलग अलग हिस्सों में बट रहा है, यहाँ पे पाइप बट रहा नहीं था. ठीक है, यहाँ पे पाइप जो है या फिर कंडक्टर जो है वो दो अलग अलग हिस्सों में बट रहा है, तो लेट से इसमें से I1 करंट फ्लो होगा और इसमें से I2 करंट फ्लो होगा. ठीक है, और ऑब्वियसली जो I है इट इज गिवन बाय I1 + I2. ठीक है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जो है वो अलग अलग रेजिस्टर में अलग अलग करंट फ्लो होगा. ऑन द अदर हैंड सीरीज रेजिस्टेंस में या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही करंट दोनों रेजिस्टर्स में से फ्लो होगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर इसमें देखूं तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट या फिर वी इज नॉट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट. ऑन द अदर हैंड तो इसी का उल्टा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि वी इज कॉन्स्टेंट. अभी एग्जैक्टली देखते हैं कि ये है क्या. ठीक है, जो पहला रेजिस्टर है वो बैटरी के सेम टर्मिनल पे कनेक्टेड है, मतलब इसका एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एक टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है. सो इसमें बैटरी का पूरा पोटेंशियल आ गया. एग्जैक्टली ये सेम चीज, ये वाला टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव के साथ, ये वाला टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव के साथ, यहाँ पे भी सेम चीज. तो इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो बैटरी के वही टर्मिनल से कनेक्टेड है. So in case में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, जो कि मैं यहाँ पे देता हूँ जो बैटरी का पोटेंशियल है, जो बैटरी का पोटेंशियल है वो इसमें कांस्टेंट रहता है. ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये कंडक्टर, ये पहले कंडक्टर का एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल है, और ये दूसरे कंडक्टर का एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल है. ठीक है, तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है लेकिन ये वाला टर्मिनल नेगेटिव से नहीं कनेक्टेड है. एंड यही चीज में उल्टा हो जाता है कि दोनों का टर्मिनल एक्चुअली बैटरी से कनेक्टेड ही नहीं है. सो ऑब्वियसली इनमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा. लेट से ये R1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस है और R2 के अक्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस है. सो दे हैव डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस.
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली कि वी इज गिवन बाय वी वन प्लस वी टू, इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ऑन द अदर हैंड पैरेलल में ये चीज उल्टी हो जाती है। तो सब लोगों को इतने तीन पॉइंट्स क्लियर है, जिन जिनको क्लियर है थम्स अप दे दो। चलो नो लेट्स सी कि रेजिस्टेंस रेजिस्टर्स का या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टर का यहाँ पे डेफिनेशन क्या है या फिर डेरिवेशन क्या है, फॉर्मूलाज भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैन आई से यहाँ पे मैं लिख दिया कि वी इज गिवन बाय वी वन प्लस वी टू, सो यहाँ पे आई विल बी राइटिंग वी इज गिवन बाय वी वन प्लस वी टू। ठीक है, अभी हमें पता है कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ये ओम्स लॉ है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वी वन इज गिवन बाय आई इंटू आर वन। हमें पता है कि करंट सेम है तो सब में करंट आई आई रहेगा, एंड वी टू इज गिवन बाय आई इंटू आर टू। ठीक है, ये हमने तीनों केसेस में ओम्स लॉ लगा दिया। अब ये जो तीन इक्वेशन है ये तीनों को उठाओ और अपने v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू में डाल दो, तो v के बदले में आई आर लिख सकता हूँ, आई आर इज इक्वल टू वी वन के बदले में आई आर वन लिख सकता हूँ और वी टू के बदले में आई आर टू लिख सकता हूँ। सही है, अभी यहां से मैं क्या करूंगा, करंट को कॉमन निकाल लूंगा और करंट को काट लूंगा। सो यहां से मुझे डेफिनेशन मिल रहा है, फिर यहां से मुझे रिलेशन मिल रहा है कि आर इक्विवेलेंट इज गिवन बाय आर वन प्लस आर टू। यही अगर मैं जनरल केस देख लू, यहाँ पे तो दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, सपोज एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, सो आर इक्विवेलेंट is given by R1 plus R2 plus R3 plus so on up to जितने भी resistance है Rn से मैं denote करता हूँ। So यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर resistors series में connected है, if resistors are connected in series, तो equivalent resistance क्या होता है? सारे resistors का addition हो जाता है। यहाँ पे मैं diagrammatically explain यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। Suppose यहाँ पे R1 connected है, यहाँ पे R2 connected है, यहाँ पे R3 connected है and so on। यहाँ पे आर एन कनेक्टेड है, ये बन गया आर वन, ये बन गया आर टू, ये बन गया आर थ्री, ये बन गया आर एन। ठीक है, सो यहाँ पे ये ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है, सो दिस सर्किट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू एक ऐसा रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है, इसे मैं आर इक्विवेलेंट बोल देता हूँ। मीनिंग किसी भी सर्किट में अगर मुझे इनको रिप्लेस करना है, अगर मुझे इन सारे रेजिस्टर्स को एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस करना है, सो मुझे एक ऐसा रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय आर वन प्लस आर टू प्लस सो ऑन, सारे रेजिस्टेंस का एडिशन। तो ये हो गया हमारा सीरीज का खेल। अभी यही खेल देख लेते हैं पैरेलल का, कि पैरेलल में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, पैरेलल में एज वी नो कि करंट इज गिवन बाय आई वन प्लस आई टू, करंट इज गिवन बाय आई वन प्लस आई टू। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही ओम्स लॉ यूज करेंगे यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्सेप्ट है और कॉन्स्टेंट है, तो वही चीज पकड़ लेंगे, वही चीज अभी पकड़ लेंगे। वी इज गिवन बाय आई आर, सिमिलरली वी इज गिवन बाय आई वन इंटू आर वन, क्योंकि हमें पता है कि करंट अलग अलग है, एंड वी इज गिवन बाय आई टू इंटू आर टू। सही है, आई मीन ये इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टर वी है और इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस वो भी वी है। सो यहां से मैं बेसिकली लिख सकता हूं कि करंट इज गिवन बाय वी बाय आर। यहां से मैं लिख सकता हूं कि फर्स्ट करंट या फिर करंट वन इज गिवन बाय वी बाय आर वन, वी बाय आर वन, एंड सेकंड करंट इज गिवन बाय आई टू इज गिवन बाय वी बाय आर टू। सही है, अब ये सारा तीनों पकड़ो, इसे इस वाले इक्वेशन में डाल दो, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट ये मिलेगा, आई के बदले लिखूंगा वी बाय आर, आई वन के बदले लिखूंगा वी बाय आर वन और आई टू के बदले लिखूंगा वी बाय आर टू। बस वी वी कैंसल, हमें रिलेशन मिल रहा है 1 by R is given by 1 by R1 plus 1 by R2. That's it. अगर ये इसे मैं generalize कर दूँ तो दो resistors के लिए, अगर मैं इसे generalize कर दूँ n resistances के लिए, so हमारे पास suppose कुछ ऐसा एक ladder है, यहाँ पे R1 connected है, यहाँ पे R2 connected है, and so on, यहाँ पे total ऐसे n अलग अलग resistors connected है, यहाँ पे R1 connected है, R2 connected है, सारे के सारे parallel में, ठीक है? तो इससे हम इक्विवेलेंटली किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक ऐसे रेजिस्टर से इक्वेट कर सकते हैं जिसे मैं लिख दूंगा आर इक्विवेलेंट, ये सेम है, और यहाँ पे 1 by R equivalent is given by 1 by R1 plus 1 by R2 plus up to so on up to 1 by Rn। सो ये बन गया अपना कंप्लीट डिस्टिंग्विश बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे मैं आपको पूरी पिक्चर दिखा देता हूँ सीरीज पैरेलल का, I mean distinguish, ये पूरा आपका एक आंसर ही हो गया। जिन जिनको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, just give me a thumbs up।